वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं MJP RU बरेली यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं, जिसका नाम है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 2022 का जो पेपर होने वाला है, मतलब कि कल जो है 8 अप्रैल, और 8 अप्रैल को सुबह से जो फर्स्ट मीटिंग में जो आपका पेपर है, समझ लो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों याद रख लेना, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का पेपर की बात करने वाला हूँ, यही छप रहा है आपके पेपर में, समझ लो। एक दिन पहले क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको रात भर यही याद करना है, बाकी कुछ और मत देखना। आपके पेपर में यही क्वेश्चन छपेंगे, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला, ध्यान से देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा की परिभाषा रट लेंगे, शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के क्षेत्र में कितने क्षेत्र कितने होते हैं शिक्षा के, आप ये देखेंगे, ठीक है। अभी मैं जो जो बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, बाकी आप आगे हम दोबारा से रिपीट करेंगे, जो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट लगेगा अभी वो क्वेश्चनों को हमें देखना है। उसके बाद में देखना है राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, एकता, राष्ट्रीय एकता जिसे बोलते हैं, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। मानव संसाधन के बारे में याद करेंगे, और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय सद्भाव होता है या फिर भावना होती है वो क्या होती है, उसका वर्णन करेंगे। देखो उसके बाद में परिवार क्या होता है, परिवार को गैर शिक्षा साधन के नाम से भी जाना जाता है, वो आप याद करेंगे, परिवार क्या होता है ये आप देखेंगे। संवैधानिक मूल पर क्या प्रकार होते हैं, और मूल प्राथमिक शिक्षा क्या, देखो प्राथमिक शिक्षा, पूर्ण प्राथमिक शिक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में आता है इसको देखेंगे मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में, ये आप देखो प्राथमिक, भारत में प्राथमिक शिक्षा के जो कह सकते हैं सार्वभौमिकताओं की स्थिति है उसके बारे में याद करेंगे, कि भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी सार्वभौमिक की स्थिति के बारे में। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो जो कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षा है उसके व्यवस्था व्यवसायिक और का गठन और उसका गठन के बारे में, कि माध्यमिक शिक्षा जो है उसका गठन कैसे हुआ, और उच्च शिक्षा जैसे कि यूनिवर्सिटी जो आ जाती है, यूनिवर्सिटी की शिक्षाएँ होती हैं, उन शिक्षाओं की समस्याएँ, उनके उद्देश्य क्या होते हैं वो हम याद करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद हम नीचे जाएंगे, और नीचे हम याद करेंगे, यहां बोला गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्वविद्यालय अनुदान जिसे यूजीसी बोलते हैं, यूजीसी के अंतर्गत सारी जितनी यूनिवर्सिटियां होती हैं वो यूनिवर्सिटियां यूजीसी की बात मानते हैं, यूजीसी जो कहेगा वो हमें हमारी यूनिवर्सिटियों को मानना पड़ता है, ठीक है। और वहीं बात करें देखो एनसीईआरटी, आप जानते हैं एनसीईआरटी जो हाई स्कूल का सिलेबस है, इंटर का सिलेबस है, एनसीईआरटी सिलेबस होता है, तो वही बोला गया उसको कार्य क्या होता है, उनका वर्णन करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के जो त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा की कौन कौन सी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बारे में और संस्कृति के विशेषता के बारे में आपको देख लेना है। मानव मूल्य क्या होता है, मानव मूल्य क्या का अर्थ क्या होता है, मानव मूल्य का अर्थ क्या होता है, और यहाँ बोला गया है जो कौशल अधिग्रह होता है उसका उपयोग के बारे में, कौशल अधिग्रह के उपयोग के बारे में याद कर लेंगे। नीचे निःशुल्क शिक्षा क्या होती है, निःशुल्क शिक्षा को याद करेंगे। सद्भावना क्या है ये मैं ऊपर दे चुका हूँ, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। आलोचना कह सकते हैं अनौपचारिक, और देखो यहाँ बोला गया है शिक्षा में औपचारिक अनौपचारिक और जो निरौपचारिक होते हैं, जो अभिकल होते हैं उनके बारे में उदाहरण सहित आपको व्याख्या करनी है। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे जो SERT होता है, देखो एक NCERT होता है, एक SERT होता है, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल जो कह सकते हैं रिजर्व ऑफ ट्रेनिंग जो नामक एक संस्था होती है, उस संस्था के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और एक है जो हटर कह सकते हैं कमीशन है 1882 का, उसकी प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जनसंचार के माध्यम का अर्थ क्या होता है, जनसंचार किसे कहते हैं ये आप पढ़ लेंगे, और हम आपको बताने वाले हैं बस इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाकी एक क्वेश्चन ऊपर देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको क्या करना है। देखो शिक्षा के जो कह सकते हैं जो जो कह सकते हैं वैत्याकिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है, वैत्याकिक उद्देश्यों के बारे में आप याद कर लेंगे, ठीक है। व्यावसायिक उद्देश्य तो आप जानते ही हैं, व्यावसायिक उद्देश्य शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य क्या है वो आप याद कर लेंगे। और बाकी आपको यहां देखो प्राचीन भारत में ज्ञान परंपरा उद्देश्य, मतलब कि जो प्राचीन भारत में जो ज्ञान है, जो शिक्षा की परंपरा है, उसका उद्देश्य क्या है समझने का, उस शिक्षा को समझने का उद्देश्य क्या है, अब बस इतना देख लेना, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है मेरे दोस्त। आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को मुझसे वादा करिए कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आती है तो आप पेपर हैकर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जैसे ही पेपर होता है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7037327838 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ये पेपर जो भी आपका होगा उस पेपर को सेंड कर देना, ताकि मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकूँ कि जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं वही पेपर में आए हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।